लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। मंगलवार को छोड़कर यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। आइए आज इस वीडियो में इसी ट्रेन के बारे में जानकारियां देते हैं। लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन IRCTC इस ट्रेन का संचालन करेगी। इस ट्रेन के जरिए लखनऊ और दिल्ली के बीच का सफ़र महज 6 घंटे 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। ट्रेन कानपुर और गाजियाबाद से होती हुई नई दिल्ली तक जाएगी और मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यहाँ हम आपको ट्रेन से संबंधित सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, जिसका नंबर 00501 है, सुबह 6:10 पर लखनऊ जंक्शन से छूटेगी। ट्रेन 7:20 पर कानपुर और 11:43 पर गाजियाबाद पहुंचेगी, जबकि ट्रेन 12:25 पर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। वहीं वापसी के समय यह नई दिल्ली स्टेशन से ट्रेन 4:30 पर रवाना होगी। गाजियाबाद करीब 5:10, कानपुर 8:30 और रात 10:45 पर लखनऊ पहुंचेगी। ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 3 दिन चलेगी, पूरे 6 दिन चलेगी। आइए इसके किराए के बारे में बात करते हैं। लखनऊ से दिल्ली का किराया एसी चेयर कार में ₹1,125 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ₹2,310 होगा। दिल्ली से लखनऊ का किराया एसी चेयर कार ₹1,280 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ₹2,450 होगा। लखनऊ से कानपुर एसी चेयर कार ₹320 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार ₹630 में होगा। लखनऊ से गाजियाबाद एसी चेयर कार ₹1,125 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार ₹2,310, मतलब लखनऊ से दिल्ली और लखनऊ से गाजियाबाद का किराया सेम होगा। दिल्ली से कानपुर इसी चेयर कार ₹1,155 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार ₹2,155 में होगा। इसके साथ ही पहली बार इसमें रिफंड पॉलिसी चालू की गई है, जो कि लेट होने पर यात्रियों को मिलेगी। दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन लेट होने पर रिफंड दिया जाएगा। IRCTC ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को रिफंड के तौर पर ₹100 लौटाए जाएंगे। वहीं 2 घंटे से अधिक की देरी पर यात्रियों को ₹250 रिफंड किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन के लेट होने पर मुआवजा दिया जाना है। साथ ही इस ट्रेन के यात्रियों को ₹25,00,000 का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा। यात्रा के दौरान लूटपाट या सामान चोरी के होने की स्थिति में भी ₹1,00,000 का मुआवजा की व्यवस्था है। आइए बताते हैं इसकी बुकिंग कैसे की जाएगी। तेजस ट्रेन की बुकिंग आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप पर भी कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन काउंटर से इस ट्रेन के लिए बुकिंग नहीं कराई जा सकती, लेकिन IRCTC के अधिकृत टिकट एजेंट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कराया जा सकता है। आप 60 दिन पहले टिकट बुक करा सकते हैं। 5 साल से कम के बच्चों का किराया नहीं लगेगा। उनकी बुकिंग उनके माता पिता या गार्जियन के साथ ही होगी। 5 साल और उसके अधिक उम्र के बच्चों का पूरा किराया देना होगा और उन्हें सीट उपलब्ध होगी। इस ट्रेन में सामान्य ट्रेनों की तरह तत्काल या प्रीमियम तत्काल कोटा उपलब्ध नहीं होगा। इसमें केवल सामान्य और विदेशी पर्यटकों का कोटा होगा। विदेशी पर्यटकों के लिए ट्रेन में 5 सीट एग्जीक्यूटिव क्लास और 50 सीट एसी चेयर कार में उपलब्ध रहेगी। तेजस के संचालन से पहले IRCTC ने अपने कर्मचारियों को यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए इसकी ट्रेनिंग भी दिलाई है। विशेषज्ञों से कर्मचारियों को मेहमानों से पेश आने के गुर सिखाए गए हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और तेजस एक्सप्रेस के बारे में जानकारियाँ काफ़ी मिली होंगी। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।